पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए अपनी प्रस्तावित नई टाउनशिप शिवालिक योजना के पहले चरण में डिडौरा डिडौरी के किसानों से आपसी सहमति से जमीन खरीदेगा। इसके बदले उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। नया मुरादाबाद सेक्टर 2 में स्थित 30 एकड़ क्षेत्र को उद्यम विहार व्यावसायिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 5 सितारा होटल, हाई स्ट्रीट और 7 अजूबों के दर्शन वाली थीम पार्क भी बनेगा। शहर के विकास कार्य पर भी लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नया मुरादाबाद में लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आदर्श थाना भी स्थापित होगा। उजाला सिग्निस अस्पताल के करीब स्थित एसटीपी के पास ये थाना खुलेगा। इसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एमडीए बोर्ड की 135वीं बैठक में इसके साथ ही कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। बैठक में डीएम अमरोहा राजेश कुमार त्यागी, एमडीए वीसी शैलेश कुमार, एडीएम सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, सचिव अंजू लता, संयुक्त नियोजक विवेक भास्कर, बोर्ड के सदस्य राजू कालरा और विकास जैन भी मौजूद रहे। एमडीए सचिव अंजू लता ने सभी का आभार जताया। इस बार जो बजट पास हुआ है, इसमें आय का जो प्रावधान है वो 484 करोड़ रुपए प्राधिकरण की आय प्रस्तावित है। अगर इसको हम लोग 2021-22 की आय से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि लगभग जो है हमारी आय 4 गुनी हो गई है। विकास क्षेत्र में करीब 490 करोड़ रुपए खर्च करने का इस साल हमने प्रावधान भी रखा है, जिसमें से एक बड़ा अंश जो है जमीन के क्रय में जाएगा, जिससे कि लैंड बैंक स्थापित हो मुरादाबाद में, और उसके अलावा कई सारी जो हमारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं उनके डेवलपमेंट में, और साथ साथ कई सारे अवस्थापना के प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत मास्टर प्लान की रोडें बनाने का कार्य, और यहाँ पर जो है काफ़ी समय से एक मांग चल रही है कन्वेंशन सेंटर बनाने की जो आवश्यकता है, ऑडिटोरियम बनाने की, उस तरह के कार्यों पर भी जो है फोकस हमें करने को मिलेगा। और ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हुआ करते थे नया मुरादाबाद में, जो 5 भूखंड है हमारे पास और लगभग उसके अंतर्गत 35-36 हज़ार स्क्वायर मीटर जमीन है, तो उन भूखंडों की विक्रयशीलता बढ़ाने के लिए और लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने निर्णय लिया कि वहां पर ग्रुप हाउसिंग के साथ साथ हम लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट और साथ साथ जो है लो राइज जो ग्रुप हाउसिंग है उसको भी अलाउ करें, सो दैट जिस प्रकार की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार से प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा आज कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक और जो निर्देश बोर्ड की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है वो ये है कि जितने भी लोगों के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र अपने पास कराए जाते हैं तो उनको अनिवार्य रूप से रेरा में रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, और जब भी वो अपना विकास कार्य शुरू करें तो वो अपने उस रेरा रजिस्ट्रेशन को वहाँ पर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें, जिससे कि जो है उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर जो है इस पर हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण बोर्ड से हमें यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए और गजरौला और मुरादाबाद इन दोनों जगहों पर जमीन आइडेंटिफाई की जाए सड़क के किनारे, और वहाँ पर जो है किसानों का हाट और साथ साथ जो है शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए आज यहाँ हमारे जिलाधिकारी अमरोहा साहब भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा अश्योर किया गया है कि वो जमीन हमें शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण वहाँ पर गजरौला में शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था करेगा, और साथ ही साथ एक जो है एक बड़ी जो एक किसानों की हाट है, शिल्पकारों की हाट है, उसकी व्यवस्था मुरादाबाद में भी की जाएगी। इस आशय का निर्देश जो है बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये प्राधिकरण की जो 135वीं बोर्ड बैठक थी, इसमें हमारे अध्यक्षता आदरणीय मंडलायुक्त महोदय ने की, इसमें उपस्थिति रही हमारे डीएम अमरोहा साहब की, और नगर आयुक्त साहब के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव वित्त और जल निगम के जो अधिकारीगण होते हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे, संयुक्त नियोजक भी रहे। तो इसका संचालन जो है हमारे सचिव ने किया था और प्रेजेंटेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया। तो इस प्रकार से जो है ये 135वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिससे मुरादाबाद शहर के विकास पर जो है काफ़ी दूरगामी उसका इफेक्ट होगा, और शहर के लोगों को जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना होता है उसकी भी पूर्ति होगी, और कई सारी योजनाओं पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है, तो जो बजट पास हुआ है उससे जो है जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।